डिफरेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखो इसमें क्या होगा, ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी रहता है नहीं, कंटिन्यूस होगा और शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, इसके बारे में भी आगे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो जैसे इस पे देखो शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो ये डिफरेंसिएबल नहीं होगा आपका, क्लियर हुआ। अब इधर देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड का अगर आपको चेक करना है, तो इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का ही होता है, यानी यहाँ पे अगर पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, इसी से आपको पता चलता है लेफ्ट साइड का है कि राइट साइड का, क्लियर हो गया। चलिए अब जैसे ये फंक्शन है, डिफरेंसिबिलिटी इसमें निकालनी है, तो इधर देखो ये जीरो पे डिफरेंसिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगर डायग्राम बनाओगे ना शार्प कॉर्नर, ये मोड ऑफ एक्स का शार्प कॉर्नर क्या जीरो होता है, तो ये डिफरेंसिएबल नहीं होगा, तो बी आंसर होगा आपका इसकी वजह से, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे, आपको इस तरह का दे दिया है, ठीक है। अब इसको पूछ रहे हैं वो डिफरेंसिएबल होगा कि आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन आपका एफ एक्स दे दिया है, अब हमने क्या किया, इसको निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की निकाले, फंक्शन कर दिया, ये जीरो से बड़ा है और ये जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव होता है, तो ये जहाँ था ना डिटरमिनेंट, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, क्लियर हो गया ये स्टेप। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे आप, तो ये हो गया लिमिट जीरो माइनस एच, जीरो पॉइंट पे आप इसको चेक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो माइनस एच वन प्लस उधर जीरो पुट कर जीरो हो जाएगा, माइनस एच ऐसे एच ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वन प्लस जीरो हो जाएगा, यानी आंसर वन आ गया, समझे। लेफ्ट राइट हैंड पे आ जाओ, राइट हैंड की बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, एच प्लस वन प्लस एस माइनस जीरो और एच एच से एच कैंसिल हो गया, तो वैल्यू पुट कर लो वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, ये आंसर आ गया, क्लियर हुआ। चलिए आ जाओ इसको तीसरे वाले पे, एट टू पे, टू पे इसको चेक करना है, ठीक है। तो ये होगा आपका वन से छोटा, वन और थ्री के बीच में और थ्री से बड़ा, ठीक है। क्योंकि ये और ये जब भी निकालते हैं पॉइंट, तो आपके पॉइंट निकलते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करो, यहाँ से एक्स इक्वल टू वन निकलेगा, जहाँ भी मोड लगाए उनको जीरो के इक्वल कर दो, तो ये निकलें, एक वन निकला है एक थ्री निकला है, इन पे हमको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, कैलकुलेट किया ये आ गया, तो जीरो पे करो तो टू पे करोगे, यहाँ पे टू पे पुट करो, इसी में टू आएगा, तो टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। तो फंक्शन जीरो आ जाएगा यहाँ पे।
देखो एफ एक्स कॉन्स्टेंट ये है, एफ टू पे टू है ये, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव, समझ रहे हो, डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो अगर टू का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, वो आ रहा है आंसर आपका। क्लियर हो गया, डेरिवेटिव किया जा रहा है, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, चलो तो इसमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर लगाए तो एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई ये तो आपका वन हो जाएगा, जीरो का वो जीरो होगा, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएबल और ये कंटिन्यूस होगा आपका। क्लियर हुआ ये? अरे ये तो ऐसे ही हो गया, समझ में नहीं आया। इधर देखो आप, एक्स टेंस टू जीरो है ये, ठीक है, साइन एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। अब एक एक्स इधर बढ़ाओगे आप, ये पूरा वन हो गया, ये एक्स इसको जीरो पुट करोगे जीरो हो गया, समझ में आ गया। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं जीरो आ रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों का सेम ही आ रहा है। चलो लॉग वाला देखो, लॉग पहले तो इधर देखो मॉड एक्स है, ठीक है, लॉग है, इसमें दो बार मॉड का यूज किया गया है, दिख रहा है, ठीक है, तो इसका दिख रहा है, तो डायग्राम या तो ऐसे बनेगा या ये बनेगा, डायग्राम दोनों दिए गए हैं, तो डायग्राम कंटिन्यूस आपको दिख रहा है, पर इधर देखो कंटिन्यूस तो दिख रहा है, पर यहाँ पे एक जगह पे ये जो दिख रहा है ये शार्प कॉर्नर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये डिफरेंटेबल नहीं होगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल सभी जगह होगा, पर वन पे और माइनस वन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर, तो ये आपका बी आंसर होगा, क्योंकि शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, पहले ही बोल दिया है शार्प कॉर्नर नॉट अलाउ, ठीक है। अब ये आ जाओ, एक्स इक्वल टू के इज एन इंटीजर, तो ये तो है एफ एक्स जे, तो इसकी बात करो तो ये तो के माइनस वन ही आएगा, के माइनस वन लग सकता, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, समझ रहे हो, तक आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी है ना, वहाँ तक आएगा आपको, जहाँ पर आपका, हाँ जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वो नहीं आएगा, सेवन पे आ जाओ, तक आएगा प्राइमरी सेकेंडरी और ये दिया है, तो इसमें इधर देखो दो जगह ये चेक किया जाएगा, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप करना है, आपको वर्ल्ड ये पॉपुलेशन करना है जिसमें डेंसिटी एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन पे, ठीक है, कंटिन्यूस बोलना है तो शायद कंटिन्यूस होगा, क्योंकि डायग्राम में नीचे इन्होंने बनाया तो कंटिन्यूस होगा, पर डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शार्प कॉर्नर आएगा, डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है, कंसेप्ट वो एक शार्प कॉर्नर वाला ही रखो। चले चले, इन्होंने यहाँ पे डायग्राम से भी समझाया है, तो ये आपका फंक्शन ये दिया गया है, ठीक है, तो डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम वैसे आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, डायग्राम दो पे आए तो एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन, और दोनों में ये डायग्राम बना है, ठीक है, तो आपको सीधा पता है इस डायग्राम में ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होंगे, माइनस वन और प्लस वन, ठीक है, तो इन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस तो लगातार है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यही क्वेश्चन में बोला है इसमें, ठीक है, एट वाला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नाइन पे आ जाओ, फंक्शन ये एवरीवेयर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एट एक्स, एक्स पे दोनों बोल रहा है, ए और बी में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स यही रहेगा, तो टू
ए एक्स भी जीरो हो गया, टू बी एक्स प्लस ए, एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पे एफ डैश टू ए एक्स टू बी एक्स प्लस ए, चलिए ये तो ऊपर ही हो गया आपका। चलो अब इधर देखिए, दो इक्वेशन दिए तो ये डिफरेंसिएबल है एक्स माइनस वन पे, एक्स की जगह माइनस वन पुट किया तो ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऐसे ये किया तो यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू मिल गई, तो ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू थ्री है, आंसर ए हो गया आपका। टेन पे आ जाओ, चले लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये इक्वेशन दिया है इन्होंने और एक ये दिया है, ये दिया, ये तो पूरा ही दिया है, ठीक है। एच फाइव की वैल्यू 11 है, देन एच टेन की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, समझ रहे हो, तो कांस्टेंट फंक्शन में अगर कुछ भी पुट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 11 ही आएगी, समझ रहे हो। अगर एक्स होता है कुछ भी होता तो फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। एच एक्स फंक्शन निकाल लो ये किया है यहाँ पे, इधर देखो तो एच एक्स की वैल्यू है तो डेरिवेटिव कर दिया रिस्पेक्ट के साथ, पर ये आपको पता है तो वैल्यू पुट कर ली और इसकी भी वैल्यू पुट कर ली, तो इसको सॉल्व किया तो एच के एफ डैश जीरो आ गया, यानी एच कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर फंक्शन है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर फाइव हो या यहाँ पे हंड्रेड हो या कुछ भी हो, सबकी वैल्यू 11 ही आएगी, तो हमारा एच कितना है 10 है, तो 10 की वैल्यू भी 11 ही आएगी। क्लियर हुआ, चलिए इस पे आ जाते हैं। तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, जब भी आप सार्प कॉर्नर या इसकी बात करोगे तो ये डिफरेंशिएबल निकलेगा ही नहीं, समझ रहे हो, ये तो आप मान के ही चलो। क्लियर हुआ, तो इसमें आपका यही रहेगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये इन प्रॉपर्टी को देख लेना, और ये फंक्शन दिया डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हमको क्या है, किस इंटरवल में होगा चेक करो। अगर जीरो रख दे तो जीरो किसी की पावर जीरो जीरो वन जीरो हो जाता है एफ एक्स, तो हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये डेरिवेटिव किया, जीरो पे चेक किया माइनस आ रहा है, ये जीरो पे चेक किया प्लस वन आ रहा है, दोनों इक्वल होने चाहिए थे, इक्वल नहीं है तो ये जीरो हटा दिया जाएगा, तो इसी इक्वेशन में आपका जीरो हटाया, समझ रहे हो, जीरो इंक्लूड नहीं, या तो माइनस करके या ऐसे करके लिखो एक्स इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटिव माइनस जीरो या माइनस इन्फिनिटिव टू जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों तरीके से लिखो तो सेम आता है। चलिए चलो अब हम आ जाते हैं एफ पे। चलिए एफ एक्स इक्वल टू ई और ये है, ठीक है, तो ई का डायग्राम दिख रहा है, तो डायग्राम आपने बनाया तो यहाँ पे आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है, तो शार्प कॉर्नर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, बाकी होता है, तो ये शार्प कॉर्नर छोड़ के आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए 14 है एफ एक्स है, निकालना है, चेक करो इसको, ठीक है, प्रोसेस आपको पता ही, तो ये जो क्वेश्चन है 15 है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा ट्राई करना, इनको समझ रहे हो, कंसेप्ट हमने आपको बता ही दिए, 14 क्वेश्चन तक करवा दिए, इसको
रेशनलाइज करके सोल्व किया गया, डेरिवेटिव किया गया, ठीक है।